Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो हेलो फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पुलअप्स के बारे में बताएंगे। तो गाइस, पुलअप्स के ऊपर भी हमें काफी सारा सवाल आया था कि पुलअप्स कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। मैक्सिमम लोग तो पुलअप्स कर नहीं पाते क्योंकि पुलअप्स के लिए आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ रहना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट कहाँ से करें वो इम्पोर्टेंट है। तो आज उसको पूरा डिटेल्स देते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे कि पुलअप्स में क्या कौन से मसल एक्टिवेट होते हैं और कितने टाइप के पुलअप्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोग जो है चिनअप्स कर नहीं पाते, तो आज जो है हम लोग स्टेज वन से स्टार्ट करेंगे कि आज एग्जैक्टली आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। ये कोई होम वर्कआउट नहीं है, इसे आप जिम में ही आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। आइए आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हमारे जिम में एक स्मिथ मशीन या आप कोई ऐसी जगह पे आप बार को होल्ड करिए अराउंड 3 फीट के आसपास, जिसमें आप इन्वर्टेड रोइंग कर सकते हैं। रोइंग भी आप में दो प्रकार की रहेगी। एक है प्रोन ग्रिप। प्रोन ग्रिप जो है ना, आपका जो फेसिंग जो है ना पाम्स का, वो जमीन की तरफ, और सुपाइन ग्रिप जो है ना वो फेसिंग ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग प्रोन ग्रिप करेंगे। प्रोन ग्रिप में थोड़ा सा जो होल्ड करना रहेगा वो थोड़ा सा वाइड होल्ड करना रहेगा। तो आइए आपको, ये जो है स्टार्टिंग स्टेज है आपकी चिनअप्स को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल स्ट्रेंथ लाने के लिए। लेट स्टार्ट। होल्ड द ग्रिप, पैर आगे लेके आइए, हिप ऊपर ही रहेगा हवे में, नी बेंड, पैर आगे की तरफ। ओके, पुल वन, और बार का जो लेवल जो रहेगा आपके लोअर चेस्ट पे एंगल में रहेगा। 4, 5, 10 counts, 6, 7, 8, 9, होल्ड इट। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ को लाने के लिए, तो ये भी आप होल्ड करिए अगर आपको चिनअप्स का जो है स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ाना हो तो। ओके, आइए चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। सो गाइस, जो हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो है सुपाइनेटेड इन्वर्टेड रोज। सुपाइनेटेड, आपके जो पाम्स जो रहेंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे, मतलब आपकी तरफ फेस करेंगे उसको। तो उसे हम करेंगे, उसमें जो आपका ग्रिप रहेगा वो शोल्डर लेवल में रहेगा। ओके, वो सेकंड एक्सरसाइज है, आइए करते हैं। पैर आगे, बार जो रहेगा आपके जो लोअर जो चेस्ट का जो लोअर एरिया जो है ना वहां पर आएगा। पुल एंड बैक। 3 counts, 4, 5, 6, 7, 8, 9, होल्ड इट। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो ये आप जरूर करिए। गाइस, अभी हम चल रहे हैं एडवांस लेवल पे, जिनसे चिनअप हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसी को दोहराइए जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, और अगर नहीं हो और हो रहा है तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोन ग्रिप लेंगे। ग्रिप के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोन ग्रिप चिनअप्स। रेपिटेशंस आपसे जितने होंगे आप उतने कर लीजिए, 10, 15, 20 जाना तो ऐसा मुश्किल है, तो 10 का आप टारगेट बनाइए, 10 का, 8 का, 5 का। स्टार्ट तो शुरुआत एक से ही होगी, तो दो और पुल, लास्ट वन, ओके रिलैक्स। ये था प्रोन ग्रिप। अगला ग्रिप आपको बताते हैं। अगला ग्रिप रहेगा सुपाइनेटेड, यहां पर पकड़ना है। ये थोड़ा इजी ग्रिप है, इसमें जो है आप काफी इजीली अपने आपको पुल कर पाओगे। तो सबसे पहले जब आप चिनअप स्टार्ट करते हो तो आप सुपाइनेटेड से स्टार्ट करिए। तो आपसे 1, 2, 3 पॉसिबिलिटीज है कि आप कर सकते हो, क्योंकि वो नैरो ग्रिप है, वो इजीली हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। पुल वन, पुल टू, पुल थ्री, पुल फोर। उसमें आप चाहिए तो आप किसी की फ्रेंड की सपोर्ट भी ले सकते हैं, यहां से मिड बैक से ऊपर पुश करने के लिए। अप पुश, जैसे मैं सपोर्ट दे रहा हूं तो रेपिटेशन उसमें बढ़ जाती है। ओके रिलैक्स। तो ये था प्रोन और सुपाइन। अभी हम चलते हैं न्यूट्रल वन पे। उसके भी दो प्रकार है, वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं, जिसमें मसल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो पूरा बैक एरिया जो लैटिसिमस डॉर्सी, जो इसको हम लोग विंग्स बोलते हैं वी शेप लाने के लिए, उसे हम लैटिसिमस डॉर्सी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। आपका मिड बैक का पूरा एरिया वर्क होता है उसमें, आपके बाइसेप्स वर्क होते हैं, शोल्डर वर्क होते हैं, आपके फोरआर्म्स वर्क होते हैं, तो मैक्सिमम मसल्स आपके जो है उसमें वर्क हो जाते हैं। लेकिन चिनअप्स का जो मेन वर्किंग पार्ट है, इट्स फॉर योर बैक, कंप्लीट बैक। आइए चलते हैं न्यूट्रल वन पे। न्यूट्रल वन हम लोग होल्ड करेंगे नैरो ग्रिप यहां पर। न्यूट्रल भी बहुत इजी फॉर्मेट है, तो आप न्यूट्रल भी और सुपाइन दोनों से आप स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआत में। प्रोन आप लेटर स्टेज में जाइए, जब भी आप सुपाइनेटेड
अराउंड 8 to 10 या 15 तक अगर आप कर रहे हो इजीली तो आप प्रोन पे चले जाइए. लेट्स स्टार्ट. पुल 1, पुल 2, पुल 3. आप हेल्प दे सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था. अप 4, लास्ट वन अप. ओके, होल्ड इट, रिलैक्स. आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के मैंने आपको बताया था ऑलरेडी उस बारे में, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर उसके लिए उतनी स्ट्रेंथ चाहिए चिनअप्स के लिए अगर होल्ड करना हो तो. आइए हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे. न्यूट्रल 2, लेट स्टार्ट. वाइड ग्रिप, पुल 1 2 3, ओके रिलैक्स. तो ये पूरे 4 एक्सरसाइज थे चिनअप्स के. अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप इसके पहले के एक्सरसाइज आप फॉलो करिए, अगर हो रहे हैं तो ये आप चारों एक्सरसाइज ले सकते हैं आपके बैक को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए. सो गाइस, आपने देखा कि हमने कैसे उसको आपके जो बैक एरिया को कैसे ट्रेन किया. इसमें जो आपका मेजर मसल है वो बैक ही है चिनअप्स के. आपको सभी प्रकार हमने बता दिए, तो इसे आप फॉलो करिए. जो आपको वी शेप चाहिए आपको जरूर मिलेगी. और इसमें आपके जो सब मसल्स जो है जो वर्किंग जो है वो लैटिसिमस डोर्सी, आपका मिड बैक एरिया, आपका ट्रैप्स, आपका शोल्डर, आपका बाइसेप्स, आपका फोरआर्म्स जो है वो हर एक चीज वो एक्टिवेट रहेगी. जो ज्यादा बल्जी है 120-130 किलो का है उसे मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा, आप वेट को रिड्यूस करिए. वेट को अगर आप रिड्यूस करोगे तो आपसे इन फ्यूचर चिनअप्स काफी ईजी हो जाएगा. तो होप तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो. अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल फिटनेस फाइटर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो उसको प्लीज़ ज़रूर दबा लेना कि आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहेगा, तो आप लोग हमारे वीडियोज़ देख सकते हो. तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे फिट, स्टे ऑसम. मिलते हैं अगले वीडियो में.